हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है यार, हरियर के सर्विस कराने जाएंगे। 30,000 किलोमीटर चल पड़ी है और काफ़ी सारे वीडियोस आपने देख चुके होंगे सर्विस की, लेकिन बात ऐसे है कि इसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन भी करवानी है। तो देखते हैं आज हाथों हाथ करवाऊंगा मैं, ये कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, सब कुछ जो है मुझे पता लगेगा। और सबसे पहले हो सकता है कि आज जो है 10:00 बजे, तो सबसे पहले मैं पहुँचूँगा मायापुरी वाला, जो ट्रू नॉर्थ वाला जो इनकी सर्विस सेंटर है वहाँ पर। गाड़ी यो खड़ी, बिल्कुल धुली हुई मस्त, और यहाँ पे थोड़ा डेंट वेंट भी आ रखा है, तो यहाँ पे क्लेम कभी पूछता हूँ उनसे कि कैसे क्या हो सकता है। तो अभी मैं खोल देता हूँ गाड़ी और कितनी चली आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑन किया यार, बैटरी का इशू था यार जैसे पहले ना, इसलिए अब ये ऑन हो रही है। देखते हैं कितनी किलोमीटर लिया। 30,550 करीब चल गया ये, तो 30,000 में तो एक मुझे करवाना है। उसके बाद इसका भी जो है अपग्रेडेशन करवानी है, जो कि मुझे बार बार ये वाला यूज़ करना पड़ता है, प्लग जो है कार प्ले के लिए ये यूज़ करना पड़ता है, एप्पल कार प्ले के लिए, जो कि कुछ ऐसे ही सिस्टम में देख रहा था यार यूट्यूब में आजकल, जो बिना ये यूज़ करे ही जो है हो जाता है, तो वो भी अपग्रेडेशन करवानी है। और जैसे कि अभी न्यूट्रल में हूँ मैं अभी, तो यहाँ से जो है थोड़ी देर में ही है जो ट्रू नॉर्थ जो आपको मिलेगा। तो बस इसमें दिक्कत मैं बता देता हूँ, दिक्कत मैं इसमें क्या बताऊँगा। पहले तो इंजन ऑयल फिल्टर जो भी हो चेंज करवाएंगे, सब कुछ तो रहेगा ही रहेगा। फिर अंदर से जो है बिल्कुल गंदा भी है, तो ये भी धुल जाएगा, अंदर से जो है बिल्कुल गंदा भी है। और लास्ट टाइम जो है भाई ये भूल गया था मैं, और किसी ने चोरी कर ली थी मेरी, इसलिए ये जो है अब की बार नहीं भूलूँगा। हाँ भाई, अब की बार नहीं भूलूँगा। और ये सनरूफ मैंने खोल दी है बिल्कुल, इसी में भाई बहुत तगड़ा मज़ा आता है, बहुत व्यू अच्छा आता है सनरूफ में। और ये भी जो है शटर वटर सारा जो है ओपन कर दूंगा मैं पीछे की तरफ, नहीं तो ये यार ऐसे कबाड़ा कर देते। तो भाई अभी यहाँ पे है शिवजी वजी सारा जो है, चलो भोलेनाथ को प्रणाम कर लेते हैं। तो यहाँ से सीधा अपने को सीधा ही जाना है यहाँ से। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जब 80-100 पे जब चलते हैं ना, तो एकदम से हम लोग जब गियर मारते हैं तो गियर लगती नहीं है। एक बार मार के पेडल, दूसरी बार जब लगाते हैं ना तब लगती है गियर। तो इसमें भी उनको दिखाना है, फिर क्या बोलते हैं, फिर इसको भी दिखाना है, फिर एक्सलेटर का भी दिखाना है। कभी कभी एक्सलेटर जो है दबाते भी नहीं चढ़ती, वो पिकअप आती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका भी एक चीज़ दिखाना है। ये सारा कॉन्सेप्ट है जहाँ मैं शो करना चाहता हूँ, उनको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो इसके थ्रू जो है पता लगेगा हमें कि क्या हो रहा है, कैसे क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ जो है अपने को पता लगेगा भाई। हर दिक्कत ना एक और चीज़ है भाई, ये जो है अभी मैंने USB केबल लगा रखी है इसमें, और फिर भी कार प्ले जो है पकड़ नहीं रहा इसका। अब ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड है, कभी कभी डिस्कनेक्ट बता देता है और फिर कनेक्टेड बता देता है। तो ये तो जब से मैंने ली है ना गाड़ी, तब से ही है इसमें प्रॉब्लम। तो भाई ये प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आया नहीं, ये कैसे ठीक हो गया, टेक्निकली इशू है क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं थी मेरी गाड़ी में। हाँ अभी तो ऑन द वे हूँ मैं हूँ, और आज जो है सारी इनको दिक्कतें मैं बताऊँगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं मेरे गाड़ी में। अगर ये सॉल्व कर पाते तो ठीक है, अगर नहीं करते तो इन फ्यूचर भाई मैं सर्विस सेंटर में काम नहीं कराऊँगा, यही बात है। यहाँ पे लाजवंती है, यहाँ पे एक बंदा है यार बहुत ज़बरदस्त सर्विस करता है। काफ़ी सारे लोग हैं भाई जो सर्विस सेंटर से भी बहुत तगड़े सर्विसिंग करते हैं, पर बात ये है, बात मेनली ये आती है ना कि सर्विसिंग करते तो है, पर यार कंपनी वाले अगर करने लग जाए ना बढ़िया, तो भाई हम ये वाला ऑप्शन से नहीं देखेंगे ना फिर। और मैंने अभी ये जो इंश्योरेंस भी मैंने अपडेट करवाई है, अपग्रेड करवाई है, लेकिन मैंने टाटा से नहीं कराई, महिंद्रा से करा ली इस बार, क्योंकि टाटा में थोड़ा सा यार कम दे रहे थे मुझे, जो भी एडवांस वगैरह कम मिल रहा था मुझे सब कुछ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है महिंद्रा से करवा लेते हैं। टाटा टाटा हो चुका था बहुत, तो इंश्योरेंस तो मैंने चेंज ही कर दी, मुझे वो वाला डील अच्छी मिल रही थी, तो इसलिए अब जो है यहाँ से बिल्कुल लास्ट में जाना है मायापुरी के, तो ट्रू नॉर्थ जो है अपना राइट साइड में आ जाएगा। मैं तो यही उम्मीद से जा रहा हूँ कि मेरा पहली गाड़ी होगी, और ऐसे कभी होता नहीं है टाटा के कि मैं इतनी जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि वो
10 बजे की टाइम दे रखा था उन्होंने, लेकिन क्या है मैं 10 बजे के अंदर पहुंचना चाहता हूं। यार यहां आया था ट्रू नॉर्थ, कह रहे कि शिफ्ट हो गया भाई ये आगे को इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं और सर्विस सेंटर इन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए अभी मुझे एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा पहले और देखना पड़ेगा ये कहाँ पे हैं भाई। टोयोटा का कुछ बता रहे थे भाई, यहाँ शिफ्ट हो चुकी है टाटा मोटर्स जो सर्विस सेंटर है, घुमाते हैं यहाँ पे, देखते भाई सर्विस सेंटर का माहौल। सबसे नया तो यहाँ शिफ्ट हो रखा भाई, अब देखना पड़ेगा। यो है बिल्कुल नया सर्विस सेंटर और अब पता नहीं है कहाँ से क्या कौन डील करेगा। देख सर्विसिंग के लिए अंदर ही लाऊं भाई, बढ़िया लग रहा है आगे वाला तो। बोनी से जी भैया अपना आइटम लेके आ जाइए, वैल्यूएबल आइटम कुछ नहीं है भैया, वैल्यूएबल तो यही है भैया। हाँ सर्विसिंग कराना यही, मैंने वो रजिस्टर करवा रखा है मतलब पहले ही। फिर भी आप अंदर, हाँ उसके बाद जो इसमें दिक्कत है ना वो भी मुझे बताना है। भैया ये लो चाबी, तो भाई इनको पहले रजिस्ट्रेशन में करवा देता हूँ रजिस्टर। मैम वो 7783 था, उनको मैंने कॉल किया था आपको। ये जो है देखो, ये सर्विस सेंटर थोड़ा सा लंबा और बड़ा लग रहा है मुझे बहुत, और ये सारी जो है टेक है और यहाँ पे गाड़ी और ये खड़ी हो रही है बहुत। सारी चीज़ें मैंने बता दी है, पहली बात तो ब्रेक का इशू था और क्लच का, अच्छा गियर का भी है, गियर का भी मैं बताऊँगा। गियर अड़ती है कभी कभी जब लगाते हैं हम लोग। सर एक और था इशू गियर का, हाँ गियर का इशू ये हो रहा है कि जब हम पूरा क्लच लगा कर भी हम लोग जब यूज़ करना चाहते हैं ना अचानक से तो वो अड़ता है, मतलब हाँ तो अड़ता है गियर की आवाज़ नहीं आती क्योंकि हम पूरा पैडल वो क्लच लगा के ही करते थे। हाँ यही है इशू, और तो नॉर्मल आपको पता ही है जो सब कुछ चीज़ें करवानी है ठीक है। और ये सारी चीज़ें भाई, अब ये ऐसा है, अभी सर्विस होने के बाद देखते हैं कैसा मिलेगा मुझे। 18.11 है ठीक है, इसमें अपडेट होगा तो आपको बता दूंगा। अभी का कौन सा है? अभी 18.11 है। अच्छा सर ठीक है, इससे भी आगे आया है अपग्रेडेड, और इसके इस वाले वेरिएंट के अंदर अपडेट होगा तो करवा। ठीक है अभी हो रही है 10:30 बजे और पहले ही 20-25 गाड़ियाँ और है, तो मैंने रिक्वेस्ट करी है थोड़ा जल्दी कराने के लिए, तो कह रहे हैं कि 3 बजे तक तो आराम से करवा देंगे, 3-4 बजे तक, तो इसीलिए जो है अभी घर यहीं पे पास में है, तो यहाँ से होकर जो है घर जाके जो है थोड़ी देर में जो है मैं आऊँगा। भूख भी लग रही थी भाई, इसलिए मैंने सोचा कि छोले कुलचे खाया जाए, और ये ट्रू नॉर्थ का यही है, और पूड़ी भी मैं खा सकता था यार, लेकिन तेल की चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी पूड़ी में, तो इसलिए सोचा यार छोले कुलचे ही सही है। अभी मैं घर जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम से जो है मैं चला नहीं था वॉक नहीं किया था यार मैंने, सोचते चलो वॉक ही कर लेते भाई, चलते चलते आराम से, इतना जो हल्की हल्की धूप है, ये देखो हल्की धूप है। ये बस स्टॉप है वैसे भी, ये बस लेन बस स्टॉप है ये, फिर भी यहाँ पे कोई DTC स्टैंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मारुति के वो आ गया है। मैंने भाई हाफ प्लेट वेज बिरयानी पैक करवाई, और यहाँ से क्यों पैक कराई बाद में बताता हूँ भाई साहब। लगभग घर पहुँच रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं क्या काम हो रही है, वाटर वाटर का कुछ काम हो रहा है सीवर का। मम्मी ने सामान ले दिया था लेने के लिए, भाई मम्मी ने सामान दिया था लेने के लिए, सब्जी ले ली मैंने, टमाटर ये वो वगैरह जो भी था। अभी घर जाता हूँ, घर जाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर कार लेने जाऊँगा। A few moments later, यार आके थोड़ी देर में लेट गया था,
तो अभी भाई 4 बज गए क्या? हाँ 4 बजने वाले यार, अभी जाना पड़ेगा मुझे। अभी जाता हूँ गाड़ी का, देखता हूँ कैसे उन्होंने काम किया है, सब चेक करता हूँ, कवर करते फिर। भाई मेरे आते ही आ गया भाई ये गाड़ी। जस्ट जैसे ही मैं आया यार, तभी मेरी गाड़ी बाहर आ गई। तो अभी दुलाने के लिए लेकर के जा रहे होंगे शायद, धोके होके फिर जो है ले आएंगे। तो मुझे अभी 15-20 मिनट और वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, गाड़ी लेके कहाँ जा रहे ये बंदे। मुझे लगा यार वॉश कराने के लिए लेके जा रहे होंगे, लेकिन भाई ये तो ऐसे इधर से उधर घुमा रहे हैं, हो सकता टेस्टिंग कर रहे हो। भाई ये अब दोबारा आ गई गाड़ी, हॉर्न बजा रहे हैं। पता नहीं क्या रूटीन, क्या चेकअप करा रहे होंगे ये लोग, क्या कर रहे हैं। सब कुछ चमकी चमकी से तो सही लग रही है यार, लेकिन गंदा भी है ये देखो गंदा। अभी वॉश हुआ नहीं होगा ये, शायद करवाएंगे अभी वॉश। है लगती तो बहुत सही है यार गाड़ी, अंदर लेके गए फिर से। भाई फाइनली जो है अभी डिलीवर हुआ है, 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे का अराउंड जो है डिलीवरी हुआ है। तो वीडियो में यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो अभी मैं लुक अराउंड करा देता हूँ क्या क्या सर्विसिंग में क्या क्या हुआ है। एक लंबी लिस्ट है भाई यहाँ पे जो कि चेंजेस हुआ है, वो नंबर है मेरा इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये वो सब मिला के जो है 18,700 का समथिंग जो है आया हुआ है। तो सब कुछ जो है मैं ए टू जेड जो है यहाँ पे कवर करूँगा पूरा। और गाड़ी आप देख सकते हो बिल्कुल चमक रही है यहाँ पे। तो बाद में जो है ये सारा जो है सेटिंग बाद में करूँगा, ऐसे ही लगा रखा है सब इन्होंने। ये हो गया भाई। उसके अलावा इसके अराउंड ये देख सकते हो, ये यार काम ऐसे ही करते हैं यार, ये पूरा ना मुझे खुद सजाना पड़ेगा सब कुछ ऐसी। वैसे डीप क्लीनिंग के लिए बोला था, तो डीप क्लीनिंग तो इन्होंने करवाया है बढ़िया तरीके से। और वहाँ पे लाइट जल रही है, लाइट ऑफ कर देता हूँ। डीप क्लीनिंग हो गया है, और पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ। एक बार गुड़गांव जाकर भी आना था मुझे। ये पीछे की तरफ ये भी सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक। इसको भी लगा देता हूँ। भाई इतने सारे चार्जेस हो गए, तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं सर्विस सेंटर से तो नहीं करवाऊँगा, मैं बाहर से करवाऊँगा। क्योंकि मेन जो काम था मेरा जो रुका हुआ था वो हो गया है। तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट 6 महीने जो है सर्विस जो मेन काम था सब कुछ हो चुका है, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। ये गाड़ी भी हो गई है मेरी अपनी, आ गई है। तो यहाँ को चालू करके जो है चलते घर को। और भाई सबसे पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे सब कुछ चीज़ें जो है इन्होंने सही किया हुआ है या नहीं किया है, ये सब कुछ जो है मैं क्रॉस चेक वगैरह कर लेता हूँ। पहले ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया। ये फोग लाइट की बात कर रहे थे। अब इसमें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के भी मैंने कर रखा था, सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए भी मैंने बता रखी थी। तो ये हो गया इनका बिल। हाँ अब जो है भाई ये भी लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद मैंने अपडेशन तो इनसे मैंने पूछा तो था, इनसे मैंने पूछा कि वायरलेस वाला नहीं हो सकता क्या, कह रहे कि वायरलेस वाला तो अभी आया नहीं है अपडेशन। और DEF का मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो DEF जो है इन्होंने फुल कर दिया है और सब कुछ सही लग रहा है मुझे। 142 मतलब 180 या 180 समथिंग था, तो 40 किलोमीटर मतलब 1 लीटर पेट्रोल पी गई है, एक नहीं यार 4 लीटर पेट्रोल पी चुका है। तो 4 लीटर पेट्रोल हो चुका है कंप्लीट, 4 लीटर हो चुके हैं मतलब कम हुए हैं।
और ये हो चला के आ रहा हूँ भाई। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ एसी भी चला ली, एसी भी बढ़िया काम कर रहा है। वैसे तो सब सही चीज सही काम कर रहा है, लेकिन यार वो भी तो बात है ना कि यार प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा ली है, और ज़्यादातर चीज़ें जो है बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने करी भी है, डाली भी है। वैसे तो अभी जो है क्रॉस चेक करूँगा एक जगह साइड पे लगा के, सब जो है देखी जाएगी। क्योंकि वहाँ से तो कह रहे थे भैया आपको जाना पड़ेगा यार, काफ़ी टाइम से आप खड़े हुए हो देख रहे हो ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अभी तो निकल ही लेंगे हम। यहाँ रास्ते में खड़ी कर ली। मैं बताता हूँ भाई बिल कहाँ है, बिल निकालो। मेन वीडियो तो अभी यहाँ पे शुरू होती है। मुझे जो है भाई इन्होंने जो बिल बैठाई है वो बैठाई है, आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई, आप देखो ये है 18,783 रुपीज़ है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें इन्होंने लगाई है, व्हील बैलेंस के इन्होंने लगा दी, 660 लगा रखी है। उसके बाद पेडमिन का लगा रखी है इन्होंने। इंटीरियर एक्सटीरियर फॉर्म क्लीनिंग एंड इसका 3,000 लगा दी है, वो लगा दी, ये लगा दी है भाई, बतेरे लगा रखे हैं इन्होंने। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने कहा सारी चीज़ें जो है चाहिए सब चेक कर लेना करके। फॉग लैम्प भी इन्होंने चेंज करने के लिए देख रहे थे फॉग लैम्प, पर मुझे लगता है यार फॉग लैम्प बिल्कुल ठीक है। अभी चेक करता हूँ मैं फॉग लैम्प का भी हिसाब किताब, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही जलना चाहिए फॉग लैम्प भी। अच्छा इस साइड में तो सही है, फॉग लैम्प जल नहीं रहे यार, क्योंकि ये पहले भी इशू आया था फॉग लैम्प का ना। क्या पता अब जले। देखो साले भाई मुझे कह रहा था फॉग लैम्प बिल्कुल ख़राब है, अभी तो बिल्कुल सही चल रहे हैं यार, बिल्कुल सही चल रहे हैं भाई फॉग लैम्प तो। मुझे लग रहा था क्योंकि वो कभी कभी ना चलता नहीं है भाई साहब। अगर मैंने हाँ पे हाँ बोल दिया होगा ना भाई, इसको भी चेंज निकाल के मार देते। चलो बढ़िया है, मैंने मना कर दिया भाई नहीं करवानी वो सब चीज़ें, क्योंकि फॉग लैम्प बिल्कुल ठीक है भाई। करोल बाग से लगवाया था यार, बिल्कुल सही जेन्युइन बंदे से, ऑफ रोडिंग में बिल्कुल मज़ा आ जाता है। लेकिन यार एक बात और है, डीप क्लीनिंग इन लोगों ने सही से किया नहीं है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये चीज़ आप देख रहे हो डीप क्लीनिंग बिल्कुल सही नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे बेकार बेकार का काम करवा के दे दिया है भाई इन्होंने ऐसे ही। लेकिन यार कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो, मैं तो भाई इस सर्विस को पूरा मतलब मार्क्स तो दूंगा नहीं, पूरा मार्क्स तो मैं नहीं दे सकता। फिर भी भाई देखो अभी मैंने क्लीन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। वैसे तो बस यही था यार, 18,000 की लग चुका है पूरा बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और इंस्टाग्राम की आईडी जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, आपको अगर फॉलो करने तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको सब्सक्राइब ही करनी चैनल को तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप कर सकते हो। तो इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे, और ट्रैवलिंग भी ब्लॉग्स आते रहते हैं, तो अगर आपको देखने तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। I'm so